नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सनी और आज हम रूबरू होंगे सनी से। कैसे हो भाई? सब बढ़िया। आज हम रूबरू होंगे सनी से एक और नए एपिसोड में। अरे लाइट को क्या हो गया? राम राम दोस्तों, मैं थारा दोस्त सनी और आज हम फिर रूबरू होंगे सनी से एक और नए एपिसोड में। वैसे अगले एपिसोड में जाने से पहले जरा पिछले एपिसोड का आपको बता दूं कि जो मैंने अपने लव लाइफ पे जो वीडियो डाला था उस पे आपके बथेरे लाइक कमेंट और शेयर आए, तो उसके लिए मैं आपसे बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूं। और चूंकि चूंकि आपने मुझे इतना प्यार दिया तो मैंने भी सोचा कि भाई मारा भी फर्ज तो बन है कि आपको थोड़ा सा प्यार वापिस करूं। तो मैंने सोचा कि आप मारे साथ मारी गाड़ी में राइड पे चलोगे। हाँ, तो तब मैंने कॉल करके, अगर 10 से 2 के बीच नरीमन पॉइंट पे हो तो मुझे बस एक कॉल कर लीजिएगा, और अगर 3 से 7 के बीच आप जुहू चौपाटी के वहां पे हो तो बस मुझे एक कॉल कर लीजिएगा। हाँ, कॉल करने से शर्माइयो मत, भाई हूं तारा सन्नी। हाँ, और मेरे स्पेशल दोस्तों को मिलेगा एक बहुत ही बढ़िया डिस्काउंट और मारे साथ रहने का मौका भी। तो भाई जिसके पास नंबर ना हो वो नंबर लिखे 8986233431। वैसे हमारे फेसबुक पेज पे दिया हुआ है लेकिन आप फिर भी लिखिए 8986233431 है जी। और हाँ, हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हाँ, और कमेंट छोड़ना जिसपे एक दिल या चुम्मा भी हो, वो क्या है ना, आपके कमेंट मेरे लिए घने जरूरी है। अब यूट्यूब से तो पेट भरता नहीं, नौकरी पे चले तो चलते इबजग सनी से रूबरू बिगिन। हाँ जी, हाँ। तो दोस्तों, आज का एपिसोड है हमारी मोहब्बतों के लिए, तो मैं आपसे पूछना चाहूं, क्या आपने कभी किसी को प्यार किया? कभी किसी को दिल दिया? मैंने भी दिया। अरे हमें तो लगता था कि इस गांव के सारो खान हम ही है। सारा गांव हमने बसा रखा। बे तू कहां से आ गया धूमत्री की औलाद? हाँ, तुम्हारा प्यार शालीमार, शालिनी, उसे कैसे बोल सकूं भाई, मारी सबसे फेवरेट वाली गर्लफ्रेंड थी वो। वो आपको दिखाया नहीं था मुंबई में जहाँ पे चोल में रहता, वो भी वहीं रहती आस पड़ोस में, फैक्ट्री में जाती काम करने। एक दिन थारे भाई की नजर लग गई उससे, फिर क्या, नजरों से नजरें मिली और थारा भाई बड़ा एक्शन जैक्शन। सांझ को जाया करते जू चौपाटी घूमने वास्ते, घनी बढ़िया जगह, मैं तो कहूँ बेस्ट जगह। आप भी अपनी सुंदर सुंदरी लोंडी को वहीं पे ले जाओ, मतलब घनी प्रिवेसी है। हाँ, पर इब्जग वो मिलती ना मुझसे, साल भर पहले मिली थी लेकिन माँ कसम जहर लाग रही थी उस दिन, तो लग गया कि रिश्ता करा के मारेगी छोरी। अब क्या करें, शादी शुदा हो गई ना, अपने पति से परेशान है वो, पर अब उसकी जिंदगी सुधारने के लिए मैं तो अपनी नहीं बिगाड़ सकता, दूजी शादी थोड़ी ना करूंगा उसके साथ, है सही कि नहीं? कौन कम्बक बर्दाश्त करने को दूर रह पे, हम तो दूर रह पे क्योंकि दो वजह है। एक, मारी अम्मा, अरे मारी अम्मा को ये सब ना पसंद, वो बोले माने तू अपने बच्चे बच्ची ला के बता, अब मैं अगर ऐसे गोद में ला के दो इतनी रेडीमेड धर दी हो तो मारी मम्मा को तो हार्ट अटैक आ जाए। हाँ, और दूसरी वजह निचली जाति, मंगी थी ना, और हमारे यहाँ ऐसा ना चलता भाई, तो बस गांठ बांध दिया कि उससे प्यार ना होता बस। हाँ, तो ऐसा ना था कि मतलब हमारे बीच में प्यार ना था, हमारे बीच में प्यार घना था, सारी किस्मत। अरे यूट्यूब वालों, ए देखो हमारी दाढ़ी वाली लुगाई, हमारा दोस्त, हमारा यार, अरे सुधीर। अबे देख तो सही, किसी विसी मत क्या कर यार। अरे तू रहने दे, अरे वैसे ये देख तेरे भाई का यूट्यूब चैनल है, अबे हीरो बनने का के। अरे मेरे को ना बनना, तू बन जा। अरे बिस्किट, बिस्किट खा, भूख लग गई है। और क्या तेरे लिए तू लाया? हां अबे सुबह आज का इंतजाम है ना, आना है तेरे को। अरे आऊंगा ना। अरे तू धोखा देता है हरदम। अरे ना देता, आज टांग ना देता बोल तो रहा हूं। अरे टांग हरदम देता है तू, ठीक है। पर ने दिया था का? हाँ जाऊंगा, बोला मैं। अरे वैसे इंतजाम हो गया दारू वारू का? भाई दारू का इंतजाम हो गया, तेरे को आना है। गाना गाना हम बजा लेंगे, बजा हमने तो भी हम बजा लेंगे, हम ही बजा लेंगे। हाँ तो दोस्त, सॉरी भैया ये रह गया था, थैंक यू, थैंक यू। सॉरी भैया तो ना के रानी लग गए, साली रानी, तन्ने तो जांगे पे बिठाऊं।
हाँ तो दोस्तों, मैं आया हूँ यहाँ पे जू के पास। शाम को ये गाड़ी चलाऊँ मैं, वो क्या है ना, यहाँ पे हवा और हरियाली दोनों ही गणित चौखी हो गए। कहाँ थे हम? हाँ, लव इज इम्पोर्टेंट सबके लिए। सबके लिए माने? अरे मेरे भी, क्योंकि मैं भी तो आशिक आवारा हूँ। अरे दोस्तों, 29 साल का हो गया हूँ, अभी तक बात नहीं बनी है, के करूँ साला। अभी इंतजार कर रहा हूँ अपनी संगनी के लिए। वो क्या है ना, थारे भाई की लाइफ में लड़कियाँ तो बहुत आई और थारी बाप भी नहीं आई ना। ट्रैफिक में अटक गई है के? अजी सुनती हो? हेलो फ्रेंड, हाउ आर यू? माय सेल्फ एसएसडी सन्नी सिंह दहिया, टन टना टन। पार्टी चल रही थी, आधी छोड़ गया हूँ। क्या है ना, पापी पेट का सवाल है, और अगर दिन का कोटा पूरा ना करो तो साढ़े वाले जान ले लेंगे। इनका काम तो भैया राइडों से ही बनता ने। हेलो दोस्तों, मैं आप सबको एक चीज तो बताना ही भूल गया। क्या है? आवाज ना कर। कि जो है थोड़े टिप जो है वो बताना भूल गया, कि भाई लड़की रोटी तो मनाओ कैसे, दूसरे की लूंडी पसंद आए तो पटाओ कैसे, है जी। उसके अलावा एक सेकंड जी। हेलो 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 हेलो, सुनाई दे रहा है भैया? हाँ मैडम जी। हाँ, किधर हो भैया? मैं आ गया, मैं यही हूँ आपके लोकेशन पे। कहाँ हो? कहाँ? आप ना दिख रहे? दिख तो नहीं रहा, तब से 10 मिनट मैडम जी। आप आ गए हो? हाँ दिख गए, दिख गए मैडम जी। मैडम जी दिख गए, रुको। हाँ दिख गए। ओ भाई, ए पाले जिंदाबाद, आज तो मार हुई। चलो जी दोस्तों, आज का कुट्टा हो गया डन, तो काम खत्म, पैसा हजम। क्यों हो गया मैडम, बड़ी जल्दी आ गए हैं आप? से मतलब चलोगे क्या? अरे बस यूं ही पूछ लिया। आप चलोगे? देखो मैडम, गाड़ी का रास्ता हो जाएगा उल्टा, है जी, और ऐप हो गया बंद। तो अब काम करो, आप दूसरा कैब लो और चल लो कल्याण, है जी। भैया देखो, मेरा नेटवर्क नहीं मिल रहा, आपको जितने पैसे चाहिए आप ले लो, पर प्लीज अभी यहाँ से मेरे को लेके चलो। बैठो, आगे बैठ। मैं आया एक मिनट में, बैठो आप। मैडम जी सब ठीक है? इतनी रात को आप अकेले? मतलब गाड़ी चलाओ ना। मैडम मतलब लड़की जा तो भी रात को अकेले, तो ऐसी बस आपको कोई प्रॉब्लम है? ध्यान नहीं था मैडम, एक सेकंड, सॉरी। ध्यान नहीं, तुम क्या कर रही है? मैडम वो थोड़ा गलत हो गया, वो थोड़ा। एक सेकंड में गाड़ी देखता हूँ मैडम।
देखो मैं चिल्लाऊंगी, तुम क्या कर रहे हो? अरे एक सेकंड मैडम, वो एक्चुअली देखो तो मेरे पास बता, मैं तुमको बोल रही हूं। मैडम अरे आप समझ नहीं रही, मैं चिल्लाऊंगी। मैडम 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 ठीक है। अबे चाय पी? शुक्रिया। कल क्यों नहीं है? अरे भाई लेट हो गया था, इतना बहाना मारेगा। अरे भाई गाड़ी खराब हो गई थी, वो अंग्रेजी कस्टमर थी, इतना अंग्रेजी टॉप है ना, उसको घर छोड़ते छोड़ते, अरे अरे मैंने उसको नई टैक्सी बुलानी पड़ी यार, उसको घर छोड़ते मारे चट्टे सोट हो गए। तू नहीं ये देख अंग्रेज ये, अरे छोरी का मैसेज है थैंक यू छोड़ने के लिए। अरे छोड़, अरे भाई उसको नई टैक्सी दिलाई थी। अरे अरे गोली ना देता, अरे सुन तो, ए लुगाई है क्या? ना सुन साले, कभी कभी लागे दोस्त ना लुगाई बनाया हूं। दोस्तों मैं आपका दोस्त सनी, और आज हम फिर रूबरू होंगे सनी से एक और नए एपिसोड में। आज हम बात करेंगे फिल्मों के बारे में। आपकी फेवरेट फिल्म कौन सी है? मारी तो है वीर ज़ारा, उसमें वो गाना याद है आपको, वो जाते हैं इंटरबेल के पास, दो पल रुका गा गा गा।